हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ग्रेप्स खाना सही है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ग्रेप्स खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या ग्रेप्स खाने के कुछ नुकसान हैं तो वो क्या हैं। इन सभी बातों को हम विस्तार से आज के वीडियो में जानेंगे, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि आपको डेली के प्रेगनेंसी केयर के अपडेट मिलते रहें। ग्रेप्स मिनरल्स और विटामिन से रिच होता है, साथ ही इसमें नेचुरल शुगर फ्रक्टोज भी पाई जाती है, तो पोषण के लिहाज से ग्रेप्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई है या वो पहले से ही डायबिटिक हैं, तो उनको ग्रेप्स पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि अगर एक प्रेग्नेंट महिला ग्रेप्स का सेवन करती है, अंगूर का सेवन करती है, तो महिला को क्या लाभ होता है और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका क्या असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को मसल क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यूट्रस का आकार शिशु के विकास के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो जब आप ग्रेप्स का सेवन करते हैं तो आपको मसल क्रैम्प में आराम मिलता है। अंगूर खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर भी आपका ठीक रहता है। अंगूर में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है तो ये आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में भी मदद करता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही सामान्य है, तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में ग्रेप्स आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ग्रेप्स यानी कि अंगूर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। अब हम जान लेते हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु पे क्या असर पड़ता है ग्रेप्स खाने से। ग्रेप्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होने से शिशु के आँखों के विकास के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। शिशु का नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, और ग्रेप्स में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्रेप्स के अंदर विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये गर्भवती माँ के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। माँ का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने से शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व का संचार हो जाता है। प्रेगनेंसी में यदि गर्भवती स्त्री ग्रेप्स का सेवन करती है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, और अगर गर्भवती माँ का कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित है, बिल्कुल संतुलित है, तो उससे गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब हम जान लेते हैं कि ग्रेप्स को कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो। कई बार अत्यधिक मात्रा में ग्रेप्स के सेवन से गर्मी की प्रॉब्लम या एसिडिटी जो है, या मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग ट्रिगर हो जाती है। तो जब भी आप ग्रेप्स खाते हैं उसको आधे घंटे के लिए पानी में डुबो के रख दें। आधे घंटे जब आप उसको पानी में डुबो के रखते हैं तो उसमें जो भी केमिकल्स हैं, और जिसको हम सामान्य तरीके से कह सकते हैं हीट, जो उसके अंदर हीट होती है, वो पानी में निकल जाती है, और उसके बाद वो आपके खाने के लिए उपयुक्त होता है। डेली एक कप की मात्रा आप अगर सेवन करते हैं तो ये पर्याप्त है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में आपको ग्रेप्स का सेवन नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद मददगार साबित होगी। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब मॉम चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।